नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली इनपुट्स, अ फुल्ली डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज का तारीख है 3 अगस्त 2019 और आज का जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे और लेटेस्ट न्यूज के साथ साथ उससे रिलेटेड जो जो एक्स्ट्रा रिलेवेंट फैक्ट्स होंगे, जो जो एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी के फैक्ट्स होंगे, हर क्वेश्चन के बाद वो सारी जानकारी मैं आपको देते चलूंगा। सो एसएससी, बैंक, आरआरबी, एलआईसी, स्टेट लेवल एग्जाम्स, सभी प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के उम्मीदवारों को मैं कहूंगा कि आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं डेली सुबह उठकर आप 10 से 15 मिनट मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो देखते जाओ और यही आपको एग्जाम क्रैक करने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो फटाफट शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल दिया, उसके ऊपर क्लिक करके आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ की जरूरत होगी। ओके, अच्छा दोस्तों, आज का पहला सवाल है, विच इंडियन जर्नलिस्ट हैज ओन रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2019। दोस्तों, यहां पर चार फेमस भारतीय पत्रकार का नाम है, इनमें से एक को कल 2019 का रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। रैमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का एक बहुत ही फेमस पुरस्कार है। अच्छा, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है? ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एनडीटीवी का पत्रकार रविश कुमार। रविश कुमार को 2019 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, अच्छा, रविश कुमार को यह पुरस्कार किस लिए मिला? फॉर हार्नेसिंग जर्नलिज्म टू गिव वॉयस टू द वॉयसलेस। बेजुबानों को आवाज देने के लिए, पत्रकारिता का दोहन करने के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला, ठीक है? अच्छा, इस साल टोटल 5 लोगों को रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। रविश कुमार के अलावा म्यांमार से एक पत्रकार को सुए विन, इन्हें भी यह पुरस्कार मिला। ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम करते हैं ये। ओके, थाईलैंड से एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अंखाना नीलापजित, इन्हें भी मिला। अच्छा, फिलीपींस से एक म्यूजिशियन जिनका नाम है रेमुंडो पुजांते कायाब्याब, इन्हें भी ये अवार्ड मिला। और साउथ कोरिया से किम जोंग की को मिला। ये बेसिकली युवाओं में हिंसा और मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं और कृषि आंदोलन के साथ भी जुड़े हैं। ओके, सो रविश कुमार और ये चार, टोटल इन 5 लोगों को 2019 का रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों? अच्छा, रैमन मैग्सेसे अवार्ड क्या है? यह पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुई थी। इसे दिया जाता है फॉर्मर फिलीपीन प्रेसिडेंट रैमन डेल फियरो मैग्सेसे की याद में। ओके, यह पुरस्कार हर साल एशिया महादेश के व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है। बेसिकली जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, किसी तरह का क्रिएटिव आर्ट, पब्लिक सर्विस इत्यादि, ये सारे फील्ड्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है कि रैमन मैग्सेसे अवार्ड को नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण के रूप में माना जाता है, एशियन वर्शन ऑफ द नोबेल प्राइज। ओके, सो दोस्तों, क्लियर एवरीथिंग? ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, पहले उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, फिर उसके बराबर में ऐसा एक बेल आइकन आएगा, उसके ऊपर भी जरूर क्लिक करना। इससे क्या होगा कि डेली जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? अच्छा, अगला सवाल, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अवेयरनेस कैंपेन सेव ग्रीन स्टे क्लीन। हाल ही में किस राज्यों ने सेव ग्रीन स्टे क्लीन पर्यावरण जागरूकता अभियान शुरू किया? अच्छा दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। हरियाली के संरक्षण और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने यह अभियान शुरू किया। ओके, अच्छा, इस अभियान में पूरे राज्य में टोटल 1,00,000 से ज्यादा पौधे वितरण की जाएगी, ठीक है? और दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बारे में फटाफट 2-4 स्टैटिक फैक्ट्स देख लेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और राज्यपाल कौन है? जगदीप धनकर। अच्छा, जगदीप धनकर रिसेंटली राज्यपाल नियुक्त हुआ। सो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
Next, Bureau of Indian Standards, BIS, will set up Pashmina Testing Center in Dash. अच्छा, Bureau of Indian Standards, BIS ने किस जगह पर पश्मीना टेस्टिंग सेंटर स्थापित करेगा? तो ये केंद्र स्थापित किया जाएगा ऑप्शन सी, ले शहर में. ओके, बेसिकली हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख, इन जगहों पर बहुत हाई क्वालिटी का पश्मीना मिलता है. सो इसका आंसर होगा ले. ठीक है. अच्छा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC, ये दोनों ने एक साथ मिलकर ये पश्मीना टेस्टिंग का केंद्र बनाएगा. वहां लद्दाख में एक बहुत ही हाई क्वालिटी का पश्मीना मिलता है जिसे लीना लद्दाखी कहते हैं. यहां से इस प्रोडक्ट को वर्ल्ड मार्केट में प्रमोट किया जाएगा. ओके, अच्छा, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है? सुरीना राजन. क्या नाम है? सुरीना राजन. ओके, अगला सवाल, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरिटिकल फिजिक्स ITCP? ITCP के नए डायरेक्टर कौन है? अच्छा दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, अतीश दाबोलकर. ही इज एन इंडियन थियोरिटिकल फिजिसिस्ट. ओके, अच्छा, ये जो अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरिटिकल फिजिक्स ITCP, ये कहां पर है? इटली में है. सो ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है कि अतीश दाबोलकर एक भारतीय होकर वहां के डायरेक्टर बनेंगे. ओके, अच्छा, अतीश दाबोलकर फर्नांडो क्विवेदो को सफल करेंगे जिन्होंने 2009 से वहां के डायरेक्टर रहे हैं. ओके, सो क्लियर. अगला सवाल, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी DPL लॉन्च्ड मोबाइल लाइब्रेरी बस सर्विस अंडर व्हिच स्कीम? अच्छा, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी या DPL ने किस योजना के तहत मोबाइल लाइब्रेरी बस सर्विस चालू किया? अच्छा दोस्तों, मोबाइल लाइब्रेरी बस सेवा को चालू किया गया है घर घर दस्तक घर घर पुस्तक योजना के तहत. क्या नाम है इस योजना का? घर घर दस्तक घर घर पुस्तक. देखो, ऑप्शन में आपको कंफ्यूज कराने के लिए ऐसे मिक्स्ड अप करके देगा, सो केयरफुली आंसर करना. ओके, अच्छा, इस स्कीम का मेन उद्देश्य है दिल्ली में पाठकों, खासकर बस्ती, कॉलोनी और ग्रामीण क्षेत्र के पाठकों तक पहुंचना. ठीक है. अच्छा दोस्तों, केंद्र सरकार के कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट ये स्कीम चालू किया. तो आप बताओ हमारे कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल. कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल. ठीक है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, इंडिया हैज गॉट व्हिच प्लेस इन द ग्लोबल GDP रैंकिंग 2018? अच्छा दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट निकाला, इसके अनुसार 2018 ग्लोबल GDP रैंकिंग में भारत का स्थान कितने नंबर पर है बताओ. सो इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत का रैंक है 7th, सातवां. 2018 में भारत का टोटल GDP $2.7 trillion का था. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ओके, अच्छा, 2017 में भारत का स्थान था 6, इस साल एक स्टेप नीचे चला गया. और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े 3 इकोनॉमी क्या क्या है? सबसे बड़ा है अमेरिका, $20.5 trillion का है. सेकेंड पोजिशन पर है चाइना और तीसरा स्थान पर है जापान. ओके, लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह है कि पिछले साल की तरह इस साल भी भारत दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है. ओके, अच्छा दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन, अमेरिका में. ओके, और इसका स्थापना कब हुआ? साल 1944 में. और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मैलपास. ठीक है दोस्तों, ये सारे फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, सो सब कुछ अच्छे से याद रखना. ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं. ऑन 2nd August, द 143rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ व्हिच फ्रीडम फाइटर वॉज सेलिब्रेटेड? अच्छा, 2 अगस्त किस स्वतंत्रता सेनानी की 143वीं जयंती मनाई गई? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पिंगाली वेंकैया. ओके, अच्छा, हमारा नेशनल फ्लैग पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया है.
उनका ये डिजाइन गांधी जी ने 1921 में अप्रूव किया। ओके, तो हमारा नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन किया? पिंगाली वेंकैया। कल यानी 2 अगस्त उनकी 143वीं जयंती मनाई गई। ओके, अगला सवाल। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कंपनी इंश्योर सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स टू द इंडियन डोमेस्टिक मार्केट। नेम ऑफ द कंपनी इज डैश। अच्छा, हाल ही में 3 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने मिलकर एक कंपनी सेटअप करेगा जिसका काम होगा भारतीय घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई सुनिश्चित करना। उस कंपनी का नाम क्या होगा, ये पूछा गया है इस सवाल में। अच्छा दोस्तों, इस कंपनी का नाम रखा गया है काबिल, KABIL, काबिल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा दोस्तों, काबिल का फुल फॉर्म क्या है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ओके, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। और इस कंपनी को 3 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजों ने मिलकर स्थापित करेगा। क्या क्या है वो 3 कंपनी? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नैल्को, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड MECL। ओके, सो इन तीनों का जॉइंट वेंचर है काबिल। ओके, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम हैज नॉट लॉन्च्ड ऑन अ पायलट बेसिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अच्छा दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को ऑन अ पायलट बेसिस मतलब शुरू में टेस्टिंग के लिए 4 राज्यों में चालू किया गया है। तो आपके पास 5 ऑप्शन है, यहां पर आपको बताना है कि इनमें वो राज्य कौन सा है जहां पर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम चालू नहीं किया गया। देखो, नॉट लॉन्च्ड कहा गया है। ओके, सो ध्यान रखना। अच्छा तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। देखो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 4 राज्यों में ये स्कीम ऑलरेडी चालू हुआ है लेकिन यूपी में नहीं। ओके, अच्छा दोस्तों, इस योजना की सुविधा के लिए राशन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कराना होगा, इट इज मैंडेटरी। ओके, अच्छा दोस्तों फटाफट बताओ हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मंत्री कौन है? हरसिमरत कौर बादल। कौन है? हरसिमरत कौर बादल। ठीक है, नेक्स्ट। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू DPIIT सेक्रेटरी। अच्छा, DPIIT का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ओके, तो DPIIT के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गुरु प्रसाद मोहापात्रा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा गुरु प्रसाद मोहापात्रा ने रमेश अभिषेक का स्थान लिया है, उनका रिटायरमेंट हो गया। ओके, और DPIIT सेक्रेटरी बनने से पहले गुरु प्रसाद मोहापात्रा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, ये फैक्ट भी याद रखना। ठीक है, अच्छा दोस्तों, कल एक और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के नए सचिव बने हैं रवि केपूर, ये सी है, के नहीं, सो केपूर, रवि केपूर। ओके, अच्छा अगला सवाल। IFFI is going to celebrate its which edition this year? IFFI, International Film Festival of India, इस साल अपना कौन सा एडिशन मनाने जा रहा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोल्डन जुबली। ओके, दोस्तों गोल्डन जुबली का मतलब है 50th एनिवर्सरी, 50वीं एनिवर्सरी। ठीक है, इस साल 20 से 28 नवंबर तक गोवा में चलेगा ये फेस्टिवल। ठीक है, सो क्लियर। अच्छा दोस्तों, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि स्वर्ण जयंती के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फर्स्ट डे कवर के साथ एक पोस्टेज स्टैंप यानी डाक टिकट डिजाइन करने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की है। ओके, अच्छा IFFI के बारे में 2-4 फैक्ट्स देख लेते हैं। IFFI का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। साल 1952 में IFFI का स्थापना हुआ था। ओके, अच्छा IFFI किससे मान्यता प्राप्त है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, FIAPF। ओके, और गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कौन आयोजित करते हैं? सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने एक साथ मिलकर। ओके, अच्छा दोस्तों, वर्तमान इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है? प्रकाश यवरेकर। ठीक है,
छोटे छोटे बहुत सारे फैक्ट्स है, ठीक से याद रखना सब कुछ, ओके। अच्छा दोस्तों, 3 अगस्त का जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो सब कुछ हमने कवर कर लिया। अब दोस्तों, कल आपके लिए मैंने एक सवाल दिया था, पहले उसका आंसर देख लेंगे, ओके। कल का सवाल था, रिसेंटली द पोस्टल डिपार्टमेंट हैज डिसाइडेड टू ओपन 1 करोड़ अकाउंट्स फॉर द इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक इन हाउ मेनी डेज। मतलब हाल ही में भारतीय पोस्टल डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लिए 1 करोड़ अकाउंट ओपन होगा। सवाल यह था कि कितने दिनों के अंदर ये 1 करोड़ अकाउंट ओपन होगा। अच्छा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 100 डेज, ठीक है। अच्छा, पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत लिया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट किया जाएगा और कस्टमर को स्मॉल अमाउंट का लोन भी मिलेगा यहां से, ओके। सो गाइस, ये एक बहुत बड़ा इनपुट है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट किया जाएगा, ओके। अच्छा, नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों आज का सवाल है, रिसेंटली अ वेटरन एक्टर हु वॉज द वॉइस ऑफ मिनी माउस फॉर मोर देन 30 ईयर्स पासेस अवे, हर नेम इज डैश। अच्छा, 30 सालों से ज्यादा समय डिज्नी वर्ल्ड का फेमस मिनी माउस कैरेक्टर के पीछे जिनका वॉयस था, उस वेटरन एक्टर का रिसेंटली निधन हो गया। आपको बताना है कि उनका नाम क्या था, ओके। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सही उत्तर आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बटन के ऊपर फटाफट क्लिक कीजिए, और इसके बराबर में एक बेल आइकन आएगा इस तरह का, उसके ऊपर भी आप जरूर क्लिक करना, ताकि रोज सुबह मेरा करंट अफेयर्स वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ओके। एनीवे, अच्छा लगा तो आपका काम है सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट में अपना रिव्यू डालना। उसके बाद फेसबुक, व्हाट्सएप में जितने सारे एक्टिव ग्रुप्स है वहां आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को प्लीज शेयर करें, ठीक है। सो गाइज, होप यू एंजॉयड द वीडियो, और करंट अफेयर्स रिलेटेड आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो वो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड फॉलो डेली इनपुट्स रेगुलरली, बिलीव मी, क्रैकिंग एग्जाम वॉज नेवर सो इजी बिफोर।